Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita and today I am going to tell you about very simple strategy which you can follow and clears your CDS examination successfully. So I've been recommended by Army and Air Force both and today I'll be telling you each and everything from basic. So jaise jaise exam pass aata hai, we all want to know ki ab kya schedule follow hona chahiye, kis tarah se strategy agar abhi tak humne nahi banayi hai so far to hume change karna chahiye, kitne numbers of hours study karne chahiye, agar koi working professional hai ya koi student hai to kis tarah se time table manage karna chahiye, last ke days mein kya aapka approach hona chahiye, kya basically methodology honi chahiye, we all will be discussing this. So this is a very simple method and this is a very realistic strategy, I would say, jo maine use kari thi and my students have been using and clearing it out, and aaj main yahi aapko batane ja rahi hu. Hope this will help maximum of you, and after watching this complete you will realize that yes, it is a realistic strategy jo aap easily follow karke aur apna examination. So, जो सबसे पहले चीज आती है एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, जो बेसिक स्टेप है वो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स. नाउ प्रीवियस ईयर पेपर का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले लें और 2011 से लेके 2020 तक आप जितने भी पेपर्स हैं आपने सॉल्व कर लिए हैं एंड देन यू से कि यस आई हैव क्लियर दिस स्टेप. द बेसिक आइडिया ऑफ टेलिंग यू टू सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स इज टू एनालाइज विच मैक्सिमम ऑफ as does not do not do actually. So हम सॉल्व कर लेते हैं बट वी डू नॉट एक्चुअली एनालाइज कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आंसर्स आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमें जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है, कौन सा टॉपिक हमें ईजी लग रहा है. आई एम श्योर आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन आपने हो सकता है एक पेपर या दो पेपर में ये पैटर्न फॉलो किया हो, मगर उसके बाद के पेपर्स में आपने पैटर्न नहीं फॉलो किया. सो मेक श्योर कि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जाके एनालाइज कर रहे हैं इन डेप्थ कि व्हाट ऑल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स डू यू हैव, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपके पास लिमिटेड टाइम हो हाथ में तो सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का रिविजन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. मैं हमेशा जोर देती हूँ रिविजन पे. रिविजन अगर आपके ऑलरेडी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं तो आप उनको अपने बेस्ट पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स. ठीक है, तो लास्ट जो भी आपके 70-75 डेज हैं, मेक श्योर कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रिवाइज कर लें सो दैट उन टॉपिक्स को लेके एटलीस्ट आप शॉर्ट शॉर्ट हो जाए. नेक्स्ट सिंपल स्टेप इज कि अगर आपको टॉपिक्स के बारे में आइडिया नहीं है कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सो ऑलरेडी देयर आर वीडियोस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक्स ऑफ ऑल दीज थ्री वीडियोस, जहां पे एक तो मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी बताई हुई है, दूसरे में मैंने इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हुए. करंट अफेयर्स अभी आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगी, बट इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता है, मैंने क्वेश्चन वाइज यहाँ डिटेल्ड एनालिसिस पेपर का किया हुआ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ठीक है, तो आप जाके इनको गो थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू चेक द प्रीवियस ईयर कट ऑफ. नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करने का ये मतलब है कि यू नीड टू सेट अ टारगेट स्कोर ऑफ योर्स. लास्ट डेज जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, भले ही आपने अपनी प्रिपरेशन यू नो जस्ट बिगिन की हो या आपकी प्रिपरेशन हाफ में हो या आप यू नो ईयर बेसिस पे प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखनी है. हार्डवर्क करना इज डिफरेंट, प्रिपरेशन करना इज डिफरेंट, बट टू स्ट्रैटेजाइज थिंग्स एंड मैनेज थिंग्स इज टोटली वेरी डिफरेंट. एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, द वन हु इज एबल टू स्ट्रैटेजाइज एंड मैनेज थिंग्स कॉन्फिडेंटली एंड क्लियरली क्लियर्स द एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितने टाइम से हार्डवर्क कर रहा है. ठीक है, सो यू हैव सीन बच्चे 2 साल से 3 साल से रेगुलर हार्डवर्क कर रहे होते हैं, दे कवर ईच एंड एवरीथिंग बट दे आर नॉट एबल टू स्ट्रैटेजाइज एंड हैव दैट विजन, तो इस वजह से वो रेगुलर बेसिस पर रिपीटर बनते रहते हैं. बट यू विल सी ऑल्सो फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 महीने की प्रिपरेशन की या 2 महीने की प्रिपरेशन की एंड दे क्लियर द एग्जामिनेशन. वाई? बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजी, उनका एम, उनका गोल क्लियर था. सो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप IMA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, INA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, AFA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या OTA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने हैं एंड अकॉर्डिंगली अपने लिए एक टारगेट एम सेट करना है. नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 से आप देख सकते हैं कि क्या ट्रेंड रहा है एंड उसमें अकॉर्डिंगली कितना इंक्रीज हुआ है, अकॉर्डिंगली +5 या +10 का आप जो है मार्जिन लेके चल सकते हैं कि उतना कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि अभी पास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो रही है एंड पैंडेमिक के बाद तो हमने देखा है कि देयर इज अ ड्रास्टिक राइज इन द पैंडेमिक. ठीक है, तो यहाँ पे इस
केस में हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा अपना टारगेट सेफर साइड पे करने के लिए +5 +10 हमने कर दिया. नाउ और जो फैक्टर्स में बताऊं, इससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या है, क्योंकि कट ऑफ जो है ये आपको मैं बता दूं दैट ऐसा जरूरी नहीं है कि कट ऑफ हमेशा इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज भी होती है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आपके कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने आपके डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और कितने सारे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया होता है, कितने सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कंसिडर करने के लिए. बट टू हैव अ आइडिया एंड अकॉर्डिंगली सेट योर टारगेट, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ सी, देयर इज वन पर्सन जिसने अपना प्रीवियस ईयर जिसने अपना टारगेट स्कोर नहीं सेट करा है, तो देखिए कंफ्यूजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बना रहेगा थ्रू आउट. यू विल नॉट अंडरस्टैंड इवन इन द लास्ट मोमेंट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. यू विल बी ओवर बर्डेंड विद द प्रेशर कि पढ़ने को बहुत कुछ है, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट. अगर आप रिवाइज भी करना चाहें तो भी इतना वास्ट सिलेबस रिवाइज करना पॉसिबल नहीं रहेगा अगर आपने अपना स्कोर टारगेट नहीं किया है तो. वेयर ऑन द सेकेंड हैंड इफ यू टारगेट योर स्कोर और आपको पता है कि हाँ यार मुझे तो 100 अपना स्कोर करना है, नाउ दीज 100 आई कैन स्कोर इजिली यू नो बाय डूइंग प्रोबेबली 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस इन इंग्लिश कर लिया मैंने, 40-50 क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिक्स में कर लिया, एंड 40-50 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपका जीके में कर लिया, ठीक है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, रफ एग्जांपल आई एम गिविंग. तो यहाँ पे अगर आपके पास एक सेट टारगेट है कि हाँ भाई मुझे 100 क्वेश्चंस करने हैं, आप सॉर्टेड रहेंगे बहुत ज्यादा और आपका जो एफिशिएंसी है एफिशिएंसी बचा रहेगा. इस एफिशिएंसी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने रिविजन में और अपने स्ट्रांग एरियाज में जहां से आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम और मैं कहूंगी निल हो जाएंगे वहां पे. तो आपका ये जो एनर्जी है जो मेहनत है हार्डवर्क है ये एक राइट डायरेक्शन में लगेगी. तो इफ द पिक्चर लुक्स सच सॉर्टेड तो सोचिए अगर आप खुद इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीजें कितनी ज्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेट अ टारगेट स्कोर. व्हाट इज योर टारगेट स्कोर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, ये कर सकते हैं. साथ ही यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है एक बैकअप ऑप्शन मैं बता रही हूँ, हाउ एवर यू कैन वेरी विद दिस, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए. अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर गोइंग इनटू टेक्निकल ब्रांचेस, राइट, ठीक है, बट अगर आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, यू आर पैशनेट फॉर डिफेंस, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ OTA. अगर आप IMA के लिए आपने प्लान करा लेकिन आपको लग रहा है कि यू नो कुछ भी इश्यू हो गया और आप IMA के लेवल का प्रिपेयर नहीं कर पाए जहां पे मैथमेटिक्स आपका प्रिपेयर नहीं है, उस केस में इफ यू आर गुड विथ इंग्लिश एंड GK, गो फॉर एटलीस्ट OTA वाला ऑप्शन. एटलीस्ट आप ट्राई तो करो जाके, नेक्स्ट लेवल पे तो पहुंचो, ठीक है, बट डू नॉट गिव अप. गिव अप मत करना, गो फॉर अ सेकेंड ऑप्शन इन दिस केस आई वुड से, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कितना पढ़ना है. अब यार लास्ट 2 महीने में तो हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते, सब कुछ पढ़ नहीं सकते और पॉसिबल भी नहीं होता, स्पेशली वेयर द एग्जामिनेशन इज लाइक UPSC हो गया, आपका UPSC की तरह CDS हो गया, ठीक है. तो इन सारे एग्जामिनेशन में हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते. अगेन मैंने बोला कि यहाँ पे आपके काम करेगी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी में आपको ये देखना पड़ेगा कि एनालिसिस देखना पड़ेगा, जैसे प्रीवियस ईयर किस सेक्शन के कितने क्वेश्चन आए. अब आप इसमें से टिक अपने मार्क एरियाज कर लो कि आपके कौन से स्ट्रांग एरियाज हैं और वहां से अगर आपका क्वेश्चन आए तो आपने इतना रिविजन किया हुआ है कि आप एटलीस्ट उन क्वेश्चन को तो गलत नहीं करने वाले हो जिन पे आप स्ट्रांग हो, ठीक है. तो हर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं. दिस इज फॉर योर करंट अफेयर्स का सेक्शन, ठीक है. करंट अफेयर्स को मैंने बोला कि करंट अफेयर्स अभी साइड में लेके चलिए, इसको मैं आपको कवर करा दूंगी. करंट अफेयर्स इंग्लिश के लिए बिल्कुल सेट पैटर्न है, प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में. इंग्लिश के बहुत लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है और सिर्फ यही पैटर्न यही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे. एंड सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर करिए, इनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हो गए और प्रीवियस ईयर पेपर्स के बिहाफ पे उस तरह के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए. एंड डे वाइज सेट स्मॉल टारगेट्स फॉर यू, ठीक है, कि आप आज कितने टॉपिक करने वाले. सपोज इफ यू हैव 70 or 75 डेज हैं आपके पास, ठीक है, तो आप इन 70-75 डेज में एटलीस्ट टारगेट करिए. अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें कितना टाइम पढ़ना चाहिए.
स्पेशली हम रूल करने वाले हैं यहाँ पे 5 आवर्स को, 5 से 5:30 आवर्स एटलीस्ट अब डेली हमें देना है। मैं बहुत सिंपल टाइम टेबल बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स दोनों इसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात है नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए। नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स क्या है, ये आप जिन्हें सिर्फ दो ही पेपर देने हैं, जैसे इंग्लिश हो गया आपका एंड दूसरा हो गया आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आपको 5 घंटे पढ़ने, टोटल 5 को फर्दर डिवाइड करते हैं 3+2 का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 आवर्स आपको देने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के लिए। रीजन बीइंग, यहाँ पे करंट अफेयर्स में देयर आर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो व्हिच यू नीड टू कवर। 2 आवर्स का यहाँ पे है टू गिव इट टुवर्ड्स इंग्लिश, जहाँ पे आप इंग्लिश के टॉपिक्स देंगे। एंड रिमेनिंग जो 30 मिनट्स है, दिस यू हैव टू गिव फॉर योर रिविजन, या फिर आप लाइव टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने अभी तक कितने टॉपिक्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये कवर करना है। नेक्स्ट इज टेक्निकल के लिए भी सेम चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3+2 का ऑप्शन रहेगा और 30 मिनट्स आपका यहाँ पे भी जाएगा। तो ये 30 मिनट्स तो रिविजन और मॉक टेस्ट के लिए हो गया। 2 घंटे यहाँ पे आप जो है इसमें से फर्दर डिविजन कर सकते हैं। 1 घंटा आप इंग्लिश को देख सकते हैं, 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दे सकते हैं, एंड कम से कम यहाँ पे आप 3 घंटे आपको मैथमेटिक्स देनी पड़ेगी, बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है विच इज एक्चुअली टाइम टेकिंग। और अगर आप इसको 1-1.5 घंटे या 2 घंटे में करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपने किया क्या, मैथ्स में पढ़ा क्या, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैथ्स एटलीस्ट इनिशियल डेज में आपको फोकस चाहिए, टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो मैथ्स आप 3-3 घंटे करके अपने टॉपिक्स फिनिशअप कर सकते हैं। इंग्लिश इज समथिंग जो मैं कहूंगी कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग है या एवरेज भी है तो भी आप इंग्लिश में उन लिमिटेड टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है पूरी, सिर्फ एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है, उनके पीछे का लॉजिक समझना है, आइडिया समझना है और आपको सॉल्व करना है। सेम गोज विद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप जितना मैथ्स में 3 घंटे देंगे उतना करंट अफेयर्स में आप रीडिंग करके मैक्सिमम सिलेबस, 3 घंटे जितना सिलेबस आप इजिली कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया जो आपको बनाना चाहिए, जो मैंने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए बता दिया। जो 30 मिनट्स है, हम क्या करेंगे इसमें 30 मिनट्स के लिए, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ करंट अफेयर्स। जैसे मैंने बोला कि लीव करंट अफेयर्स अपॉन मी, करंट अफेयर्स के लिए वीकली अभी तो पेस थोड़ा मैं स्लो रखूंगी, बिकॉज अभी आप लोगों को पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा पेस थोड़ा स्लो रहेगा। वीकली ट्वाइस विल बी डूइंग दिस, ठीक है। एक प्रॉब्ली बाय मिड ऑफ द वीक, एक हम वेडनेसडे को सेशन रख लेंगे, एक सैटरडे या संडे में, जैसा भी होगा मेजोरिटी जो भी चाहेगी। सैटरडे या संडे में देर बी वन क्विज, लाइव क्विज, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंग्लिश के भी एंड जीके के भी। सो वेडनेसडे इट माइट बी विद इंग्लिश, एंड जो आपका सैटरडे हो जाएगा वो आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स या जीके के लिए, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होगा, जब हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, लाइव सेशंस पे आप लोग आएंगे तो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। उसमें क्या होता है कि जब इस तरह से हम पढ़ाई करते हैं तो चीजें काफी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं, एंड जहां पे भी गलती होती है तो आप देखिए लॉजिकल है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जहां पे भी हम मिस्टेक्स करते हैं वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है कंपैरेटिवली जो चीजें हमने सही की होती है, ठीक है। तो ये लाइव सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो के सेशन में कि आपको टाइमिंग्स क्या, ठीक है। नाउ बुक्स के बारे में आते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स सबको पता है, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी है। अगर आपको लगता है कि 70-75 डेज में आपने अभी तक जो भी यू नो बुक फॉलो करी है, आपको लग रहा है कि अगर वो क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है, उसमें वो सब कुछ कवर हो रहा है जो सीरियस एग्जामिनेशन में आता है और आपने उसी से पढ़ाई की है, आई विल से यू कि आप वहीं पे स्टिक करिए और उसी के साथ अपना रिविजन करिए। बट इट इज इम्पॉसिबल कि आप 6 से 12 तक की दोबारा एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप उसके आगे कुछ और स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो यूपीएससी रिकमेंड करती है पढ़ने के लिए, और आप उनके थ्रू रिविजन करें, तो 70-75 डेज में ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप एटलीस्ट करंट अफेयर्स या अदर सब्जेक्ट से उनको पूरा का पूरा रिवाइज करें। इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अगर आप इन 70 डेज में सिर्फ अपना मटीरियल कंपाइल करने बैठे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, आपके पास हैंडी नोट्स होंगे जिनसे सिर्फ आपको रिवाइज करना है, उसी केस में ये चीजें फॉलो होंगी। सो इफ यू हैव स्टैंडर्ड बुक्स एंड आपने उनके नोट्स बनाए हैं, इट इज फाइन, एंड इफ यू थिंक द मटेरियल इज गुड इनफ। इफ यू डोंट हैव, इन दैट केस आई हैव माई
प्रिपेयर्ड सेट सैंपल मटेरियल्स जो बिल्कुल हैंडी नोट्स हैं, रिवीजन बेसिस पे ही हैं एंड बिल्कुल शॉर्ट ही क्रैश कोर्स फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, ठीक है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए। इसमें जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स, उनके लिए वीडियो लेक्चर्स हैं। उसके बाद आपके जितने भी कंप्लीट है एनसीईआरटी का कंपाइलेशन, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा कंपाइलेशन एंड जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसी तरह नोट्स कवर किए गए हैं एंड वी हैव रिव्यूज ऑल्सो कि इनसे क्वेश्चंस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स और स्टैटिक सेक्शन आप यहां से रिवाइज कर लो। जो लाइव करंट अफेयर्स हैं जो उसको मैं आपको YouTube में रेगुलर सेशन के थ्रू कवर करा दूंगी और इंग्लिश का भी रिवीजन मैं वहीं से करा दूंगी। सिर्फ आपको जो अभी रिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट करना है वो आप इनसे इन कोर्सेज की हेल्प से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी गिविंग यू फ्री 3 mock test, कंप्लीट मॉक टेस्ट, ठीक है, आई एम करंटली वर्किंग ऑन इट। 3 mock test आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सबको। इसके अलावा देयर बी अदर मॉक टेस्ट आल्सो, तो जो कोर्स में एनरोल्ड है उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो नहीं है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। इट विल बी अ वेरी नॉमिनल लोड बट इट इज करंटली इन द अपग्रेडेशन प्रोसेस, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सेप्टेम्बर तक आपका जो है करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूडेड रहे, तो वी आर रेगुलरली अपडेटिंग द मटीरियल, ठीक है। तो हमारा एम है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे क्लियर करें, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट एनी यू नो पॉपुलैरिटी दैट आई वांट। आई एम ऑलरेडी डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब एंड वेल सेटल्ड इन माय करियर। द ओनली थिंग आई वांट टू हेल्प इज आई वांट टू हेल्प मैक्सिमम ऑफ माय स्टूडेंट्स टू क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड गिव यू द राइट गाइडेंस, ठीक है। सो नाउ योर ये मैंने बता दिया कि ये देखिए आप इसमें एक एक फाइल है, बिल्कुल क्रैश कोर्स के टाइप से ये उस पर्सपेक्टिव से इस कोर्स को बनाया गया है जहां पर आप इजीली जाके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं और ये हैंडी नोट्स आप लास्ट मोमेंट कभी भी रिवाइज। नाउ करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस करना, बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि कीप अटेंडिंग यू नो मॉक टेस्ट, थोड़ा सा पढ़ के मॉक टेस्ट अटेंड करो। यार एट टाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली व्हेन यू हैव लिमिटेड डेज इन हैंड। तो सबसे पहले कोशिश करिए सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, फुल आप अपना रिविजन कर लीजिए। आपके पास जितने भी लिमिटेड टाइम बचे हुए हैं इनका फुल एटलीस्ट स्टैटिक पोर्शंस का कंप्लीट आप कर लीजिए टारगेट अपने सेट करके, एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही अटेंड करें। बिकॉज एक टाइम पे आप एक ही जगह फोकस रह सकते हैं, या तो मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं या तो फिर पूरी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। दोनों ही दो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर एक बार क्वेश्चन अटेंड करने पे आए तो वही पेस बना के रखिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करना है एंड मॉक टेस्ट में भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो वो पेस कॉन्टिन्यूएशन में रखिए रेदर देन कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं फिर एमसीक्यू करेंगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे फिर एमसीक्यू करेंगे, तो यहाँ पे ये ब्रेक आने वाला है। डू नॉट डू दैट, ठीक है। सो हियर ये मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, आप सबको ये मिलेंगे। आप अपना स्कोर देख सकते हैं, वेयर डू यू फॉलो अप, एंड देन अकॉर्डिंगली दोबारा जाके उन एरियाज को स्टडी कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि प्लीज मेक रेगुलरिटी, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आपने सोच रखा है यू वॉन्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन, बी रेगुलर एंड कॉन्स्टेंटली रिविजन करते रहिए। ये दो चीजें अगर आपने लास्ट 70-75 डेज में कर ली, आई विल अश्योर यू कि आप एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, एंड ना सिर्फ क्लियर करेंगे बट विल बी क्लियरिंग विद अ वेरी गुड स्कोर जो आपको मेरिट में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के मैं बता रही हूँ कि आपको कोई मटेरियल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। यू कैन हैव फेथ इन मी, यू कैन रिलाई अपॉन मी। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला मैं रेगुलर सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। सो देयर बी वन पर्टिकुलर डे वेडनेसडे को अभी इस मंथ से, जहां पे हम इंग्लिश के कुछ सेक्शंस लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उन्हीं लिमिटेड टॉपिक्स पे, एंड एवरी सैटरडे एंड संडे वी कैन हैव अ जनरल नॉलेज क्विज, ठीक है, जहां पे हम लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड विद टाइम 1st of October से ये जो पेस है ये इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल बिकम एवरी डे नाउ, एंड आई एम श्योर तब तक आप लोग अपने सिलेबस भी काफी हद तक कवर कर लेंगे, ठीक है। सो लास्ट का वो मंथ, लास्ट का 15 डेज पहले नहीं बट उससे भी पहले हम जो है अपना रेगुलर पेस पे फुल स्पीड पे जो है वो मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे और लाइव डिस्कशंस करेंगे। सो बहुत सारे और अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई भी चीज है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप, वहां पे आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो, तो आप अपने चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को, और साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन योर टारगेट स्कोर, आप कितना टारगेट कर रहे हैं अपना स्कोर, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड लिंक्स मैंने अवेलेबल करा दिया, अगर आपने पेपर एनालाइज नहीं किया है
या एनालाइज कर भी लिया है तो गो एंड डू अ क्विक मैच कि क्या आपका एनालाइजिंग एबिलिटी सही है या नहीं, आपने सही एनालाइज किया है या गलत एनालाइज किया है, एंड अकॉर्डिंगली स्टार्ट योर प्रिपरेशन इमीडिएटली. सो विल सी यू सून नेक्स्ट. टिल देन जय हिंद.